लोग ने देखा कि राम मंदिर तैयार हो चुका है बनकर, बट यहाँ पर अभी मस्जिद का कोई काम नहीं हुआ है, केवल बोर्ड ही यहाँ पर लगे हुए हैं और अभी कोई काम मस्जिद यहाँ पर बनाई जाएगी। और यहाँ पर जो जिन जो खम्भे देख रहे हैं आप, मजार यहाँ पर बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर ये मजार शरीफ यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं मोहम्मद अहमद, आप देख रहे हैं सिद्दीकी ब्लॉग 01। तो गाइस आज फिर एक नया दिन और एक नया सफ़र। गाइस हम आज पहुंचे हैं आगर, ये जो धन्नीपुर गांव है इसी नज़दीक में, जो आपने सुना होगा बाबरी मस्जिद के लिए जो जगह वहां से जो जगह दी गई थी मस्जिद बनने के लिए, वो वही जगह पर हम मौजूद हैं और बहुत बड़ा जो है जगह मौजूद है, हम अभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो गाइस ये जगह तो काफ़ी बहुत बड़ी है और ये मस्जिद का जो बोर्ड यहाँ पे 3-4 बोर्ड लगे हुए हैं जो है अलग अलग जगह पर, और यहाँ पे दो यहाँ पे लगे हुए हैं बोर्ड, आप देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। और बिना देरी करें आपको वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको जहाँ पे जो मस्जिद मिलने की जो जगह मिली है, तो आपको आज को पूरी जो है जगह दिखाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रोड है, ये यहाँ पर जो रोड है और ये रोड से ये रास्ता अंदर आया है, ये देखिए यहाँ पर ये मज़ार शरीफ मौजूद है और इसी के पास ये जो ज़मीन यहाँ पर पड़ी हुई है, ये यहाँ पर यहाँ से ज़मीन स्टार्ट होती है, ये यहाँ से रोड से स्टार्ट होगी ज़मीन, यहीं पर मस्जिद के लिए जो ज़मीन मिली है ये रोड से स्टार्ट होगी और ये पीछे तक चली जाती है। ये मज़ार शरीफ आपको बीच में देखने को मिलेगी, मज़ार शरीफ भी बनी रहेगी और इसी के जस्ट बगल यहाँ पर मस्जिद बनने वाली है। अब इसका काम कब होगा अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ इंशाल्लाह मस्जिद यहाँ पर बनकर तैयार होगी। तो आप ज़मीन देख लीजिए, यहीं पर जो ज़मीन जो है सरकार द्वारा पास हुई है वो यही ज़मीन है, यहीं पर मस्जिद बनने वाली है। तो ये देखिए गाइस काफ़ी कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये देखिए चारों तरफ नज़ारा हम आपको यहाँ से करा रहे हैं। वो रोड का वो जो गेट लगा हुआ है वहाँ पर दो बोर्ड वहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ से मस्जिद का जो बोर्ड है वहीं पर लगा हुआ है और वहाँ से स्टार्ट होता है ये यहाँ का एरिया, और कुछ इस तरह का यहाँ एरिया जो है आप देख सकते हैं। और यहीं पर बनने वाली है बाबरी मस्जिद जो बनी थी अयोध्या में, वो यहीं पर दोबारा जो है तामीर होगी, लेकिन उसका नाम अब बाबरी मस्जिद नहीं रहेगा। मज़ार यहाँ पर बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर ये मज़ार शरीफ यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए। और चलिए हम इसके पीछे चलते हैं और आपको और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, कुछ कैसा नज़ारा यहाँ पर है, हम आपको पीछे लेके चलते हैं। और ये मस्जिद के जो एरिया है यहाँ पर बनने वाली है, ये उसी के पास का जो है यहाँ पर है, ये देखिए ये मज़ार शरीफ के पीछे का जो है नक्शा है। और अभी हम धन्नीपुर गांव के अंदर ही मौजूद हैं। गाइस जो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मज़ार शरीफ एक तो बनी हुई है, ये देखिए हज़रत सादत सर रहमतुल्लाह अलैह बाबा की ये मज़ार शरीफ यहाँ पर बनी हुई है और यहीं पर ये ज़मीन दी गई है जो बनेगा यहाँ पर, मस्जिद यहाँ पर बनाई जाएगी। और यहाँ पर जो जिन जो खम्भे देख रहे हैं आप, ये लंबे यहाँ पर खम्भे, ये हद है ज़मीन की और ये लास्ट में वहाँ गांव तक ये वहाँ जो दिख रहा है वहाँ तक का यह ज़मीन जो दिख रही है ये बनेगा। और बहुत ही बड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे कि आप बोर्ड देख सकते हैं, ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें मस्जिद में क्या क्या बनेगा जो आप देख सकते हैं, करीब जाकर देख आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पर ये जो गोल नक्शा जो दिख रहा है और ये इसी के जस्ट बगल ये मज़ार शरीफ जो दिख रही है, ये सेम मज़ार शरीफ यहाँ पर ये देखिए बनी हुई है और ये सेम यहाँ पर ये बोर्ड में ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मज़ार शरीफ ये वाली है, और इसी के बगल ये मस्जिद का जो नक्शा दिख रहा है ये यहाँ पर बनने वाला है, इधर ये बनेगा, ये मस्जिद का नक्शा यहाँ पर बनने वाला है। और ये पीछे ये क्या बनाएंगे ये नहीं मालूम है, जो अस्पताल जो भी चीज़ बनने वाला है ये यहाँ पर बनेगा। तो ये बोर्ड है पहले लगा चुके हैं यहाँ पर लग चुका है, अब ये बनने आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड तो लगा दिए गए हैं, ये काम अब कब होगा अभी कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर जो ज़मीन मिली है हम आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखाएंगे आपको, जो है ये ज़मीन यहाँ पर बहुत बड़ी ज़मीन यहाँ पर मौजूद है और ये ज़मीन यहीं पर मिली हुई है। तो यहाँ पर जो अगर बन जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनने वाली मस्जिद, ये बहुत खूबसूरत दिखेगी और बहुत बड़ी जगह में ये बनने वाला है, काफ़ी दूर तक इसका जो है एरिया आता है। और ये मज़ार एक बीच में है यहाँ पर, मज़ार शरीफ यहाँ पर बनी हुई है, हज़रत सादत सर रहमतुल्लाह अलैह बाबा की मज़ार शरीफ यहीं पर मौजूद है और इसका बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ से वहाँ तक इसका एरिया पूरा लगता है और ये पीछे का भी एरिया बहुत दूर तक लगता है, ये काफ़ी दूर तक एरिया दिखता है जो दिख रहा है। तो जो कुछ भी यहाँ पर बनेगा तो बहुत ही अच्छा दिखेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। हम यहीं पर आए हैं तो हमने सोचा कि आपको भी इस ज़मीन को जो है दिखाया जाए जो मस्जिद के लिए यहाँ पर मिली हुई है। और यहाँ पर ये बोर्ड एक जो एक बोर्ड आप ये देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है,
और एक बोर्ड उस तरफ लगा हुआ है साइड में, यहाँ पर भी एरिया चालू होता है वहाँ पर लगा है। और इसके दो बोर्ड जो बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं दो बोर्ड, वो रोड के जो है बिल्कुल किनारे पे ही लगा हुआ है। तो लोगों ने उसकी वीडियो दिखाई वहाँ पर देखा होगा, वहाँ पर दो बोर्ड लगे हुए हैं। और ये यहाँ का एरिया बहुत ही प्यारा है और बहुत ही प्यारी मस्जिद यहाँ पर बनकर तैयार होगी। जैसे कि आप लोग ने देखा कि राम मंदिर तैयार हो चुका है बनकर, बट यहाँ पर अभी मस्जिद का कोई काम नहीं हुआ है, केवल बोर्ड ही यहाँ पर लगे हुए हैं और अभी कोई काम मस्जिद का नहीं हुआ है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, शब्बक है।